अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियोस में हमने देखा है कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और उसकी हम जो लाइन है वो किस तरह फिट करता है। आज की वीडियो उससे एक छोटा सा अपग्रेड है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास वेरिएबल जो होता है वो एक नहीं होता जिसे हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं हमारी रियल लाइफ में जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, तो तब हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे उन चीज़ों को बेस बनाते हुए जो अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन की है। चलें शुरू करते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन के जो मेन चीज़ें हैं वो सारी वही हैं जो अभी तक हमने रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन जिसे हम कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन जिसको हम कह रहे होते हैं, उसमें देखी है। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास एक ही वाई वेरिएबल है, यानी कि एक ही रिस्पॉन्स वेरिएबल है, और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फैक्टर है जिसको हम यूज़ करते हुए वेट प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास हाइट है जिसको हमने यूज़ करना है वेट प्रिडिक्ट करने के लिए, और हमने ये लाइन फिट की है किस मेथड को इस्तेमाल करते हुए, लीस्ट स्क्वायर्ड रेजिजुअल को। ठीक है, और वो क्या होता है कि असल में हम पॉइंट और लाइन के दरमियान में डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं, और हमारा टारगेट ये होता है कि हम जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस लाइन से कम देख सकें। ठीक है, तो अगर ऐसा हो, जो मल्टीपल का नाम ही हमें ये बता रहा है कि अब हमारे पास एक वेरिएबल नहीं है वेट प्रेडिक्ट करने के लिए, अब हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स होंगे जिसको हम इस्तेमाल करेंगे वेट प्रेडिक्ट करने के लिए। अब इस तरह की सिचुएशन है, अभी तक तो हम टू डायमेंशन में थे, यानी कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट थे वो एक्स और वाई था, ये भी एक्स वाई था, और हमारे पास जो प्रेडिक्शन आ रही थी वो वेट की आ रही थी, और जो हमने लाइन फिट की थी, जो फिटेड थी, वो एक लाइन थी। और जब मल्टीपल रिग्रेशन में चले जाते हैं, अब मेरे पास क्योंकि ये हाइट, हमारे पास वेट है जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, ये मेरे पास हाइट है जो यहाँ पर ऑलरेडी है, और एक और वेरिएबल मैंने ऐड कर लिया जो मसल रेशो है, जिसको हम अक्सर का फैट रेशियो या मसल रेशियो, दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब मैंने मसल रेशियो को ऐड कर लिया, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तीन हो गए हैं। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये है एक्स वाई और जी, इस तरह के बाकी भी हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। जो फेड पॉइंट्स ये वाले दिखा रहा है वो हमें बता रहा है कि उस डायरेक्शन में जो हमारे पास ये मसल रेशियो की है, ये वो वाले पॉइंट है, पॉइंट्स हैं। और मल्टीपल रिग्रेशन में अब हम लाइन फिट नहीं करते, क्योंकि हमारी अब डायमेंशन तब्दील हो गई, अब हम थ्री डायमेंशन में चले गए हैं। जो फिट होगा वो होगा एक प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन अब हम फिट करेंगे, और उस प्लेन से हर पॉइंट का डिस्टेंस हम निकालते हैं, और हमारा टारगेट वही है असल में कि हमने जो रेजिजुअल्स हैं, जो गैप है बिटवीन पॉइंट्स एंड द प्लेन, उसको हम कम से कम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ रही है, जब हम सिंपल लीनियर इक्वेशन में थे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल था ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, जैसे ये बी हमारे पास इंटरसेप्ट है और ए स्लोप है, एक्स जो हमारे पास पॉइंट आ रहा था, हाइट हमारे पास एक सर्टन पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट के ऊपर ये वाला मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, इसी तरीके से यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है उससे रिलेटेड जो एक लाइन बनेगी जो उनमें से गुजरी होगी, उसकी स्लोप हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल इक्वेशन है तो मेरे पास अब एक एक्स नहीं दो एक्स है, यानी कि एक एक्स ये हाइट है और दूसरा एक्स मेरे पास ये मसल रेशियो है। एक्स से मुराद यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, वो वेरिएबल जिनको हम इस्तेमाल करते हुए वेट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए वन एक्स वन एंड ए टू एक्स टू, ये दो चीज़ें हमने लिखी हैं, और बी हमारे पास वही इंटरसेप्ट है। अब अगर मैं जनरल इस चीज़ को देखूं तो जनरल इक्वेशन हो जाएगी मल्टीपल रिग्रेशन की, क्योंकि दो वेरिएबल्स तो हमने सिर्फ ऐड नहीं करने, मल्टीपल है तो उसका मतलब है हमारे पास मुख्तलिफ पॉसिबल वेज हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमने उन जनरल को ए एन से रिप्रेजेंट कर दिया। और बी मैंने यहाँ पर शुरू में लिख दिया, ये बी वही इंटरसेप्ट है, और जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास फिर उससे रिलेटेड स्लोप या उससे रिलेटेड हमारे पास जो कोएफिशिएंट होगा वो भी आता जाएगा। अब यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ तो यही थी कि इक्वेशन में तब्दीली आ जाएगी, और जिस तरह हम अपर डायमेंशन में जाते जाएंगे उसको ड्रॉ करना या उसको इस तरीके से विजुलाइज करना तो मुश्किल होगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जो हम चीज़ें देखते हैं, वो सेम टू सेम ही हैं। यानी कि हमारा मेन टारगेट तो यही है कि हमने रेजिजुअल्स को, गैप को कम से कम करना है, चाहे हम प्लेन को फिट कर रहे हैं या चाहे हम लाइन को फिट कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास ये है कि हमने जब भी क्वांटिफाई करना है कि हमने जो लाइन फिट की है, प्लेन फिट किया है, वो कितना हमने सही तरीके से फिट किया है, तो हमने आर स्क्वायर्ड को लेकर आना है। आर स्क्वायर असल में मैं क्या बताता, जो वेरिएबल्स हमारे पास जैसे अगर मैं सिंपल रिग्रेशन में हूँ तो वहाँ पर जो वेट है और हाइट है वो दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। जितना आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होती है, हमारी लाइन बहुत अच्छे तरीके से फिट हुई है। और जितना आर स्क्वायर कम है तो वो हम उतना ये नहीं कह सकते कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में, हमारे पास जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पा रहे हैं।
और ऑब्वियसली जब आपने रिलायबिलिटी पर जाना है तो आपका पी वैल्यू कम से कम होगा, तभी आप उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे। पर यहाँ पर एक और चीज है, वो ये है कि चाहे लीनियर रिग्रेशन हो सिंपल एक ही रिस्पॉन्स वेरिएबल के साथ और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, या कई रिस्पॉन्स एक रिस्पॉन्स वेरिएबल के साथ या कई दूसरे वेरिएबल के साथ, आपने मुझे बताना है। यहाँ पर मैंने अभी आपको एक चीज मैंने बोली वो क्या थी जो कि नहीं थी, वो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। उसमें क्या चीज होती है, वो चीज होती है असम्पशंस। अगर असम्पशंस फुलफिल नहीं होंगी तो आपका जितना भी आपने काम किया है, लीस्ट रेजिजुअल्स देख लिया आपने, लाइन बहुत अच्छे तरीके से फिट कर ली है, आजकल बहुत अच्छे तरीके से ले लिया है, लेकिन अगर आप नहीं चेक नहीं किया कि असम्पशंस आपकी पहले सही हो रही थी, तो आपका काम को कोई फायदा नहीं है, आपका रिजल्ट रिलायबल नहीं होंगे। अब वो असम्पशंस क्या होती हैं, असम्पशंस लीनियर सिंपल रिग्रेशन की भी वही हैं जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की है, लेकिन मल्टीपल में एक से दो असम्पशंस थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। वो ये होती हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो आपस में लीनियर नहीं होने चाहिए। तो मल्टी कोलिनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ज्यादा देख रहे होते हैं मल्टीपल रिग्रेशन में, लीनियर रिग्रेशन में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से ऑटो कोरिलेशन हमारे पास किस तरह की आ रही है, इंडिपेंडेंस का रिलेशन कितना है, जो रेजिजुअल्स आ रहे हैं, जो एरर्स आ, उनमें कोई पैटर्न तो नहीं शो हो रहा, वेरियंस का क्या, होमोसेडास्टिसिटी जो होती है उसमें वेरियंस को बता रही होती है कि उसका क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं असम्पशन जो कि बहुत अहम है, और ये असम्पशन उसमें होती हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और ये पैरामेट्रिक टेस्ट हमने पहले कुछ वीडियोज में बात की हुई है कि किस तरह के होते हैं। ठीक है, ये असम्पशंस बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए हम इनको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इन सारी असम्पशंस का समय मतलब क्या है। ठीक है, आज हमने ये देखना था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किस तरह सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एक अपग्रेड है, और हम दोनों अगर इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को या लीनियर रिग्रेशन को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम आर स्क्वायर से वो भी कंपेयर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कौन से वेरिएबल्स ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट्स किस तरह बेहतर हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।